बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर की जो बायोलॉजी है उसके चैप्टर नंबर 3 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूँ कि इस चैप्टर से लॉन्ग नहीं पूछा जाता, 4 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे जाएंगे। तो इस चैप्टर के 4 शॉर्ट क्वेश्चन मतलब 8 नंबर हमारे लिए बड़े मायने रखते हैं, तो वो 8 नंबर मैंने आपको बताने हैं आज की इस वीडियो में। उससे पहले एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है स्टूडेंट्स, आप लोग वीडियोस देख लेते हैं लेकिन चैनल जो है उसे सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज़ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है वीडियो बनाने का। ठीक है, आप देख लेते हैं लेकिन वीडियो को ना तो लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो आप देख रहे हैं और नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ रेड बटन का आपको सब्सक्राइब बटन नज़र आ रहा होगा, वो आप जो है दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम वीडियोस आप तक पहुंच जाएँ। ठीक है, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस चैप्टर से 4 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ कोफैक्टर, गिव इट्स फंक्शन। कोफैक्टर क्या है, इसका जो है फंक्शन आपने बयान करना है। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड कोएंजाइम, कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप में आपने फ़र्क करना है। ठीक है, उसके बाद ज़रूरी नहीं कि फ़र्क ही पूछे, कोएंजाइम के अलग डेफिनेशन पूछ सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अपोएंजाइम एंड होलोएंजाइम, अपोएंजाइम और होलोएंजाइम में फ़र्क बयान करना। ठीक है, चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच में फ़र्क बयान करना। ठीक है, उसके बाद पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हेन एंजाइम्स आर सेड टू बी डीनेचर, एंजाइम को कब डीनेचर कहा जाता है, मतलब कब डीनेचर हो जाते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद छठा शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन इनहेबिटर्स विद एन एग्जाम्पल, इनहेबिटर की एग्जाम्पल के साथ जो है अपनी तारीफ करनी है। उसके बाद है डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल इनहेबिटर्स, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल जो इनहेबिटर्स हैं उनमें जो है आपने फ़र्क करना है। उसके बाद आठवां शॉर्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन कॉम्पिटेटिव एंड नॉन कॉम्पिटेटिव इनहेबिटर्स। अब देखें, ये मैंने 8 शॉर्ट क्वेश्चन आपको बताए हैं। ठीक है, 8 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, इनमें से 4 पेपर में आने हैं। अगर अब भी आप लोग तैयार ना करें तो आप लोगों की मर्ज़ी, हमारा तो काम है आप लोगों को बता देना। ठीक है, ये सवाल पेपर में आएंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेपर में आएंगे, तो आपने प्लीज़ ये सवाल ज़रूर तैयार करने ताकि मेरे वीडियो बनाने का भी कोई मकसद थोड़ा सा पूरा हो, कोई आप में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं बच्चे इस चैप्टर के कर लें। ठीक है, बताऊँगा मैं इंशाल्लाह सभी चैप्टर्स के, लेकिन आपने ये सवाल आज के चैप्टर के जो हैं ये ज़रूर तैयार करने। ठीक है, तो आधे घंटे में अगर चाहें तो आप इन सवालों को तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने ये सवाल ज़रूर तैयार करने, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें, लाइक और कमेंट करना ना भूला करें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।